सो अगेिक्स थेरी ऑफ मॉरल डिवेलपमेंट आईम जस्ट कंटिन्यूइंग दिस थेरी और इसमें जो वो ये कह रहा है कि वेमेन की मॉरलिटी जो है ये रिलेशनशिप्स के साथ इन्फ्लुएंस होती है और हाउ वमेन फॉर्म देयर मॉरल एंड एथिकल फाउंडेशन बेस्ड ऑन हाउ देयर डिसीजन विल अफेक्ट अदर्स फीमेल बाजूक जब डिसीजन्स लेती है कि अब बच्चे को बचाना है अगर फादर इज़ वेरी यू नो टफ़ तो माएँ बाजूक झूठ बोल देती हैं अपने बच्चों को पनिशमेंट से बचाने के लिए अपने हस्बैंड से तो अब बच्चे जो हैं वो फिर माँ का शेल्टर लेते हैं तो मुझे याद है कि जो मेरी पेरेंटिंग थी तो माई मदर नेवर एवर यू नो यू नो ट लाए शी नेवर एवर वो हमेशा ये कहती थी कि यू नीड टू फ़ेस योर फादर इफ़ यू डिड रॉन्ग देन यू नीड टू फेस योर फादर हमें पता होता था, था कि हमने अपने फ़ादर को फेस करना है हम वो काम ही नहीं करते थे पहले करते थे उसके बाद जब हमने देखा कि हमें शेल्टर नहीं मिल रहा मदर की तरफ से तो फिर हम स्ट्रेट हो जाते थे कि अब हमें फ़ेस करना पड़ेगा इसलिए ये काम हम नहीं करते तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो फ़र्क ख़त्म हो गया था ना कि हमें शेल्टर नहीं मिला और हमें ये अपनी मदर मेरी को एक ही चीज़ से नफरत थी झूठ और वो इतनी पक्की आदत बन गई हमारी पर्सनैलिटीज़ की क्योंकि हमें ये घर से ये चीज़ मिली नहीं और बड़ी सख्ती थी घर में और वो कहती थी आप सब चीज़ों की आपको आज़ादी है लेकिन आपने ये काम नहीं करना सिर्फ मुझे बताना है तो सच बताना है ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने सारी ज़िंदगी अपनी इस आदत की वजह से इतना फ़ायदा उठाया है अपना प्रोफेशनली एकेडमिकली और मुझे कभी कोई नुकसान नहीं हुआ तो अब यहाँ पे जो ये कह रहा है वेमेन को का किस तरह से उनका मोरलिटी डेवलप होती है रिलेशनशिप्स कि उसकी अपने हस्बैंड के साथ किस किस्म की रिलेशनशिप है उसके अपने घर में लोगों के साथ रिलेशनशिप किस किस्म की है अब वो बच्चों को उसने ग्रो करना है तो बाद घर का इस तरह का इन्वायरमेंट है कि वो बच्चे को बचाने के लिए झूठ बोलती है और बच्चा यहाँ से झूठ सीखता है और उसके बाद अच्छा बुरा उसका कॉन्सेप्ट अब बच्चे ने सोसाइटी में जाना है आप किस तरह से अपने बच्चों को तैयार कर रहे हैं इस वक्त हमारे पास बड़े चैलेंजेस हैं फाइनेंशियल क्राइसिस है इस वक्त तो आप क्या अपने बच्चे को कहेंगे कि तुम रोज़ी कमाओ चाहे जिस तरीके से भी कमाओ क्योंकि हमने अपना घर चलाना है क्या हम ये टीचिंग देंगे अपने बच्चे को तो फिर हमारी वो रिलीजियस वैल्यूज़ किधर चली जाएंगी हमारी वो मोरालिटी की बेस किधर चली जाएगी अभी हमारे पास बहुत बड़ा चैलेंज है कि हमने अपने बच्चों की ट्रेनिंग किस तरह से करनी है क्यामत तक इस्लाम वही रहेगा कुरान वही रहेगा तो इसका मतलब यह है कि वो टीचिंग्स क्यामत तक वही रहेंगी ज़माना जितना मर्ज़ी तब्दील हो जाए हमें अपनी पेरेंटिंग को चेंज करना पड़ेगा फ़ीमेल्स जो हैं उनका रोल जो है वो अब डिफरेंट हो गया है अब उन्होंने सिर्फ जो है घर में बैठ के खाना नहीं पकाना वो जो ट्रेडिशनल तरीके से बच्चे पलते थे बस ये खिलाया अच्छा खिलाया अच्छा नहलाया नो 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 आपको अपने बच्चे को ये जो बाहर का इन्वामेंट है इसके लिए तैयार करना है आपका बच्चा किस तरह से जाके माशरे में एक कामयाब इंसान बनेगा हर लेवल पे आपने उसको तैयार करना है लेकिन आपकी वैल्यूज़ वही रहेंगी हमारा मॉडल रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मॉडल है जो क्यामत तक रहेगा तो हम क्यों अपने आप को चेंज करें हम क्यों एक आ, इन चैलेंज के आगे जाने के लिए अपने बच्चे को कन्फ्यूज़ करके भेजें कि जैसे तुम्हें अच्छा लगता है तुम वैसे करो नहीं आपने उसको सिखा के भेजना है कि जो सच है वो क्या तक सच ही रहेगा इसलिए यू शुड स्पीक द ट्रोथ एंड ऑलवेज ब्रेव पीपल स्पीक द ट्रूथ तो ये जो इसका रिलेशनशिप की बात यहाँ वो कह रहा है वो ये कह रहा है कि वो अपने इस वजह से जो है वो अपनी मोरालिटी की वैल्यूज़ जो है वो चेंज कर लेती हैं और मैन मोरालिटी इज़ बेस्ड ऑन एब्सट्रैक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ एंड जस्टिस मैन के लिए रिलेशनशिप और इस तरह की चीज़ें कोई मैटर नहीं करती वो देखता है जी ये यहाँ पे मेरा राइट बॉस बैठा है मैंने इसके साथ किस तरह से बात करनी है ये कानून है ये जस्टिस है वो फ़ीमेल्स को भी इसी तरह से हम टॉक करते हैं कि तुम किस किस्म की इ लॉजिकल बात कर रही हो लॉजिक ये है कि कानूना वो इस मकान का मालिक है तो अब फ़ीमेल कह रही है कि नहीं जी नहीं मुझे ये हमसाया अच्छा नहीं लगता आप किसी तरीके से इसको जहाँ से भगाएं अब, अब हस्बैंड ये कह रहा है कि भाई तुम्हें पता है कि वो उसका घर उसके नाम पे है तो मैं कानून नहीं आप जाके उस पर कोई केस बनाएं और उसको यहाँ से भगाएं ये थोड़ी दो चीज़ें रीजनिंग की और लॉजिक की बात तो मेल्स और फीमेल्स में फ़र्क आ जाता है लेकिन मेल्स जो हैं वो जनरली रीजनिंग के साथ बात करते हैं और अपनी मॉरेलीटी जो है वो उसको स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल्स पे रखते हैं राइट एंड रॉन्ग उन्हें बेहतर पता होता है कि हमने स्ट्रेट किस साइड पे जाना तो फीमेल्स को तो चूँकि फैक्टर्स बहुत हैं इन्वायरमेंटल इसलिए वो थोड़ी शटर हो जाती हैं अपनी मॉरेटी को क्लियरली प्रजेंट करने में दिस इज़ द डिफ्रेंस